हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पफुल ज्ञान डॉट वन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि मोबाइल जो चार्ज होता है तो परसेंटेज लिखता है या उसके बाद ही परसेंटेज शो होता है, तो उसको कैसे आप सेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए, नहीं तो उस सेटिंग को आप मिस कर जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस सेटिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करते जाना है और डिस्प्ले वाले ऑप्शन को ढूंढना है। ढूंढ के उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं लिखा आ रहा है कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने शो हो जाएगा बैटरी इंडिकेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीन ऑप्शन शो हो रहा है। पहला ऑप्शन की बैटरी चार्ज हो जाएगा लेकिन परसेंटेज नहीं दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि बैटरी भी चार्जिंग उसी में रहेगा और परसेंटेज भी रहेगा। और तीसरा ऑप्शन हमने इस लिए सेलेक्ट कर रखा है कि बैटरी अलग और परसेंटेज अलग है। तो आपको सबसे बेस्ट ये होगा बैटरी अलग और परसेंटेज अलग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।